नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के लघु सचिवालय पहुंचे जिला भर के नंबरदार, क्योंकि प्रशासन ने पराली जलाने के मामले में नंबरदारों द्वारा कोताही बरते जाने के मामले को किया था नोटिस और उन्हें भी नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी करने के विरोध में रोष स्वरूप आज जिले भर से नंबरदार लघु सचिवालय पहुँच गए। वहाँ पर एकत्र होकर के नंबरदारों ने कहा कि हमने किसानों को पराली न जलाने के लिए जागरूक भी किया है, इसके अलावा हमने प्रशासन का पूरा सहयोग भी किया, लेकिन फिर भी हमें नोटिस दिए गए। नंबरदारों ने कहा कि यदि प्रशासन इन नोटिसों को वापस नहीं लेता है तो वे आंदोलन करेंगे। परपल फतेहाबाद से राजेश बांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद में पराली जलाने के मामले को लेकर के किसानों के साथ नंबरदारों को जिला प्रशासन द्वारा नोटिस जारी करने से रोष स्वरूप आज जिले भर के नंबरदार फतेहाबाद में एकत्र हुए और डीसी कार्यालय पहुँच करके डीसी को ज्ञापन दिया। नंबरदारों ने नोटिस के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए कहा कि नंबरदारों ने प्रशासन का पूरा सहयोग किया है और घर घर जाकर लोगों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित भी किया, मगर प्रशासन ने नंबरदारों को इनाम देने के बजाय नोटिस जारी कर दिए। विभिन्न गांव से आए हुए नंबरदारों ने कहा कि प्रशासन के आदेश पर चौकीदारों, पटवारियों और प्रशासनिक अधिकारियों और नोडल ऑफिसरों, इन सभी को साथ लेकर के घर घर गए और लोगों को पराली न जलाने के लिए कहा था। यहाँ तक कि नंबरदारों ने अपनी ज़मीन पर पराली की गांठें बनवाई और पराली की ज़मीन में दबाया, मगर आग नहीं लगाई। इसके बावजूद भी प्रशासन ने उन्हें नोटिस दे दिया। उन्होंने कहा कि प्रशासन को किसानों व नंबरदारों पर कार्रवाई करने के बजाय इस समस्या का हल निकाल लेना चाहिए। यदि प्रशासन इन नोटिसों को वापस नहीं लेता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आप देख रहे हैं ये विशेष। हम ये कह रहे हैं भी हम प्रशासन ने हमें सहयोग नहीं दिया है, हम सहयोग दे रहे हैं पूरा। हमने जो अलाउंसमेंट कर दिया है गुरुद्वारों में है, और कई बार हम गए हैं वहाँ, हमने पूरा सहयोग दिया और हमें नोटिस थमा दिया। हम इसीलिए आए हैं कि हमें जो नोटिस दिया है हम उसके बारे में बताने आए हैं कि भाई हमने तो पूरा सहयोग दिया है, पर प्रशासन ने ये कह रहे हैं भाई आपने सहयोग नहीं दिया है। तो कितने गाँव के नंबरदार आप यहाँ पहुँचे हैं? ये कम से कम सभी गांवों के पहुंच गए हैं फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। हम डीसी साहब से मिलने आए हैं। अच्छा, तो क्या बात रखेंगे? हम यही रखेंगे भाई कि इसका कोई हमें उपाय बताएं भाई, किस तरह मतलब हमने तो अपने गांव में जो भी नंबरदार हैं सब गाठे तैयार कर दिए हैं, मतलब गाठों के साथ हमने जितनी बनी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रतन लाल नंबरदार। कौन से गाँव से? विलेज बादलगढ़ से गाँव। ये पराली का मामला है जी, सरकार ने हमें नोटिस दे रखे हैं, डी साहब ने भी, आपने सरकार का सहयोग नहीं किया, लेकिन हमने गांव में जाकर चौकीदार साथ लेकर, पटवारी और नोडल सेल के अधिकारी को साथ लेकर घर घर में जाकर लोगों को समझाया भी आग नहीं लगानी, लेकिन परंतु फिर भी आग लगी है। लेकिन हमने खुद नंबरदारों ने गांठे बनाकर और पराली को नीचे दबाकर अपने गेहूं की बिजाई करी है, लेकिन फिर भी सरकार ने हमारे नोटिस निकाल दिए गए हैं जिसमें नंबरदारों का कोई कसूर नहीं है। तो हमें नोटिस का जवाब देने के लिए डीसी साहब के मिलने आए हैं। तो रोष है नंबरदारों में कि नोटिस नहीं? रोष है बिल्कुल, जो प्रशासन का साथ देता है इसके बावजूद ही हमारे नोटिस निकाले गए हैं, हमें इस बात का रोष है। तो अगर नोटिस आपकी वापस नहीं होती तो आगामी क्या रहेगा आपका? तो हम संघर्ष रखेंगे, अपना जारी रखेंगे, सारे नंबरदार एकजुट हैं, सारे जिला एक साथ है। तो क्या लगता है आपको, गलत नोटिस दिए गए प्रशासन? बिल्कुल गलत दिए गए हैं, बल्कि नंबरदारों को अवार्ड देना चाहिए था इनको, इन्होंने पूरा साथ दिया है हमारा। तो कई नंबरदारों को सस्पेंड भी किया है इस मामले? बिल्कुल किया है। जो जिन्होंने मतलब आग लग, जिन्होंने अपने खेत में आग लगाई थी उनको किया गया है, लेकिन वो भी लाचार हैं क्योंकि उनको इसका हल नहीं है। जब तक इसकी फैक्ट्री जहाँ गवर्नमेंट इसको परचेज नहीं करती तब तक वो इसका कोई हल नहीं होता, स्थायी हल नहीं है इसका। तो आज आप किससे मिलने आए हैं? हम डीसी साहब से मिलने आए हैं आज। क्या मांग रखेंगे? मांग यही रखेंगे सर, हमारे जो जिनको नोट्स दिया नोट्स वापस लिया जाए और इसका स्थायी हल निकाला जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुखविंदर सिंह।